ठीक है। वो कल आपको क्या बता रहे थे सर? कल आपको एक एक्टिविटी करके बता रहे थे ना, वो एक्टिविटी करके बता रहे थे कि नहीं? कल आपको क्या बता रहे थे? एक एक्टिविटी करके। क्या एक्टिविटी करके सर? मान लो बाबू, एक क्या लो, एक ग्लास वाटर ले लो बाबू, एक ग्लास क्या ले लो, वाटर ले लो शैतान, है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। या बाबू क्या हो गया आपका, एक ग्लास हो गया, ठीक है, इसमें पानी फिलअप करो बाबू, है ना? ठीक है, तो सभी मिलकर ऑब्जर्व कीजिएगा बाबू, सभी मिलकर ऑब्जर्व कीजिएगा शैतान मेरे, है ना? ये अभी जो 84 अभी जो चैप्टर चल रहे हैं बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है, ठीक है ना? रिफ्लेक्शन पढ़ा चुके हैं, रिफ्लेक्शन चल रहा है, क्या क्या चल रहा है शैतान मेरे, रिफ्लेक्शन चल रहा है ना? ठीक है, तो जो भी क्लास होता है वो उसको प्रैक्टिकली करके बताना पड़ता है, वीडियो दिखाना पड़ता है, तभी बच्चे को समझ में आएगा, है ना, मूवी की तरह। अब बाबू आपको क्या बोले थे कि एक ग्लास वाटर लेना, ठीक है, इसमें बाबू क्या डालो, पेन को इंसर्ट करो, ठीक है ना? क्या डालो बाबू, पेन 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 डालो। तो देखो बाबू, नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा हमको तो, यहाँ से दिख रहा है, नहीं विजुलाइज नहीं हो दिख पा रहा। रहे हैं हाँ बाबू, दिखा 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 दिखा, देखो तो पेन कट गया, सर, कटा एकदम कि नहीं कटा कटा था, हुआ। एकदम पेन कट गया बाबू, है ना? क्या मैजिक है सर, अरे पेन नहीं कटा हुआ शैतान, देखो ना बाहर निकालते हैं, देखो सीधा ही है, ठीक है, पेन सीधा है बाबू, लेकिन सर पेन कट गया कट गया कट गया, फोकस करो कैमरा, है ना बाबू, पेन नहीं विजुलाइज हो रहा, ऐसे जा। हाँ बाबू, अब हाँ देखो एकदम एकदम बढ़िया। साफ, हाँ पेन बाबू क्या हो गया, कट गया, देख देख रहे बाबू, पेन कहाँ हो गया, कट गया एकदम एकदम सीधे दो पार्ट में हो गया, है ना? तो यही बाबू, यही फेनोमेनन है बाबू, यही फेनोमेनन, यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना बाबू? यही क्या होता है, देखो तो एकदम साफ पता चल रहा है सर, यहाँ से पेन कैसे जा रहा है बाबू, हमको भी यहाँ से देख रहा है ना, उसको सीधे निकालोगे बाबू तो इसके इसके इधर से निकल जाएगा, अगर वो बाबू पेन को अंदर निकालोगे तो इसके इधर से निकल जाएगा, है ना? तो ये हो गया बाबू, क्या एक्टिविटी हो गया, ठीक है ना? या बाबू आपको और देखना बाबू, ठीक है ना, और देखना, तो इसमें एक क्वाइन डालो, इसमें एक क्वाइन डालो, और देखना क्वाइन थोड़ा सा क्या रहेगा, ऊपर हाँ उठा हाँ हुआ रहेगा, है ना, एक ऊपर उठा हुआ रहेगा। अरे चेतन, क्वाइन को हम नहीं ना दिखा सकते हैं, ठीक है, देखो एक क्वाइन डाला इसमें, दिख रहा है ना? तो ऊपर से ऐसे देखना, ऊपर से ऐसे देखना बाबू, तो क्वाइन आपको क्या आएंगे, थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएंगे, है ना? तो ये सब क्यों होता है सर, ये सब क्यों होता है सर, ये सब बाबू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, समझे शैतान? ठीक है, तो इसी एक्टिविटी को थोड़ा लिखा देते बाबू, है ना, इसी एक्टिविटी को लिखा देते कि नहीं, है ना? और उसके बाद आपको पढ़ाएंगे बाबू, ग्लास स्लैब जो लिए थे ना वीडियो, उसका आपको हमको बताना, है ना? और उसके बाद बाबू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनाए पढ़ाएंगे, और उसके बाद वीडियो वीडियो दिखाएंगे, तो मन से पढ़िए। नेक्स्ट बाबू लिखेंगे बाबू, क्या बाबू, एक्टिविटी लिखो, नेक्स्ट क्या लिखेंगे बाबू, एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हो ना बाबू, तो इसीलिए हमको ये सब भी बताना पड़ता है, बेसिक बेसिक करके भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना? तो एक्टिविटी में क्या लेना सर, एक्टिविटी में क्या लेना सर, एक कंटेनर ले लो, है ना बाबू, एक कंटेनर ले लो, ग्लास बाबू, ग्लास में हमको डायग्राम सही से नहीं बनेगा, इसलिए ग्लास हम नहीं ले रहे, है ना, डायग्राम नहीं सही से बन पाएगा शैतान मेरे, ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे बाबू एक क्वाइन रख दो, यहाँ पे क्या रखो बाबू, एक क्वाइन रख दो, है ना, मान लो 5 रुपया का एक क्वाइन है, या कोई ऑब्जेक्ट रख लो, जरूरी थोड़ी है सर क्वाइन रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पानी मत अभी डालो, कुछ मत डालो, तो बाबू यहाँ से आप ऐसे करके देखना बाबू, ऐसे करके देखना, तो यहाँ से क्या जाएंगे, रे ऑफ लाइट निकलेंगे बाबू, यहाँ से क्या जाएंगे, रे ऑफ लाइट निकलेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा बाबू, रे ऑफ लाइट निकलेगा, है ना? अब सर तो हमको डाउट मन में आता है सर, मान लो सिक्का, सिक्का से सिक्का तो मेरा बाबू लाइट तो निकलेगा नहीं, जो क्वाइन है उससे रे ऑफ लाइट कैसे निकलेंगे, वो लाइट तो टॉर्च रहेगा तब ना रे ऑफ लाइट निकालो बाबू, है ना? तो देखो होता क्या ना बाबू, स्टार्टिंग में आप लोग को बताए थे, शांति से सुनना, लिखने का टाइम देंगे सर, शांति से सुनना। स्टार्टिंग में जब क्लास लाइट चैप्टर स्टार्ट किए थे बाबू, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास बाबू ये है, जैसे क्या है सर, ये मार्कर है, तो ये मार्कर को कैसे देख रहे हैं, तो इसको देखने का जान तो फिनोमिनन क्या बाबू, जैसे यहाँ पे क्या हो गया सर, मार्कर हो गया, और देखो हमारे रूम में क्या, हमारे रूम में क्या बल्ब जल रहे हैं बाबू, तो वहां से बल्ब से बाबू, बल्ब से क्या होता है बाबू, बल्ब से क्या होता है सर, एकदम शांति से सुनना, शांति से सुनना, है ना? बल्ब से रे ऑफ लाइट आएंगे बाबू, रे ऑफ लाइट आएगा इस ऑब्जेक्ट पे बाबू, क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगा, है ना? आपको जिधर से देखना, मान लो आपको बाबू इधर से देखना है, ठीक है, इधर से देखना, ठीक है ना, इधर से बाबू आपको देखना है, ठीक, इधर से देखना है ना, तो इधर आपका क्या हो जाता है बाबू, आई हो जाता है, इधर आपका क्या हो जाता है शैतान, आई हो जाता, ये आई हो जाएगा, है ना? और ये रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हुआ, और यहाँ से बाबू रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से क्या होता है बाबू, रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना, रिफ्लेक्ट होते हैं, तो इसी कारण बस हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, है ना? जैसे बाहर में बाबू, बाहर में आप ये मान लो 4 व्हीलर देखते हो या मोटरसाइकिल देखते हो, तो क्या मोटरसाइकिल से लाइट निकलता है, उसके सीट से लाइट निकलता है, नहीं ना निकलता, फिर उसके सीट को देखते हो कि नहीं देखते, उसके जो ये पेट्रोल टैंक होता है उसको देखते हो ना, तो कैसे देखते हो, तो वहां बाबू क्या होता है, सन होता, सन होता, तो सन होता बाबू, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, है ना? अब जिस ऑब्जेक्ट पे देखना बाबू, मान लो यहाँ पेड़ है, पेड़ है, पेड़ है, पेड़ है, अब इस ऑब्जेक्ट को देखना, तो क्या, तो पहले से रे ऑफ लाइट सन पे जाएंगे, सन से बाबू क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, सन से बाबू क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना? यहाँ से बाबू रिफ्लेक्ट होते हैं, और यहाँ पे बाबू मान लो अगर आपको अपना आंख रखना तो आंख रख दो, और यही रिफ्लेक्ट होकर क्या, रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख पे पड़ता बाबू, और इसी कारण हमको क्या देखते हैं, पेड़ हमको दिखाई देता है ना? तो सिमिलरली इसी प्रकार बाबू, सिमिलरली इसी प्रकार, तो हम लोग जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना बाबू, तो हम लोग ऑब्जेक्ट से क्या निकालते हैं, रे निकालते हैं,
एक्चुअली ऑब्जेक्ट से रे नहीं निकलता, शांति से सुनो, वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट करके नहीं आता है, ठीक है ना। अगर मानो कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर वो लाइट सोर्स नहीं है, लाइट इमिट नहीं कर रहा, तो उसके पे कहीं से रे आया होगा, वहां से रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक पहुंचता है ना, तो हम देखते हैं, ठीक। तो वही हम आपको यहाँ पे कह रहे हैं बाबू, एक क्वाइन ले लो, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, यहाँ से रे ऑफ लाइट राइट निकल, तो यहाँ से थोड़ी निकलेगा, कहीं कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, बल्ब होगा सर, चाहे सन होगा सर, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा सर, यहाँ से आएगा सर, ये इंसिडेंट हो गया सर, फिर यहाँ से बाबू क्या कर जाएगा, यहाँ से ऐसे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको नहीं बताते, इसको हम लोग नहीं, मैंने इसको हम लोग नहीं ड्रा करते, जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है उसको हम लोग नहीं ड्रा करते, हम लोग सीधे बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में बाबू कि ऑब्जेक्टिव लाइट निकाल रहा है, लेकिन रियल में ये ऑब्जेक्ट लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है ना, ठीक है सर, ठीक है। अब बाबू मान लो ऊपर से आप ऐसे देखोगे, ऊपर से सर देखोगे, तो आपको क्या होगा, ये क्वाइन दिखाई देगा, है ना बाबू, आपको क्या करेगा, ये क्वाइन दिखाई देगा, है ना, यहाँ आपका आई हो गया, आई हो गया, आई हो गया, है ना, ठीक है। तो अभी क्वाइन बाबू आपको ना उठा हुआ मतलब कहने का, अभी क्वाइन आपको उठा हुआ दिखाई नहीं देगा, क्यों सर, ठीक है ना। देखो क्यों बाबू, यहाँ पे बाबू अभी इसमें हम पानी फिलअप नहीं किए, पानी को फिल नहीं किए, तो यहाँ से जो जो रे ऑफ लाइट चला बाबू, यहाँ भी एयर है सर, ऊपर में भी एयर है सर, तो मीडियम चेंज हुआ बाबू, मीडियम नहीं ना चेंज हुआ बाबू, मीडियम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तभी होगा जब मीडियम चेंज होगा। यहाँ भी सर पानी नहीं भरे तो ग्लास खाली ग्लास, कंटेनर खाली ग्लास, तो हवा ही होगा, यहाँ भी हवा, यहाँ भी हवा, तो डायरेक्ट रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट हमने क्या किया बाबू, देख लिया डायरेक्ट, ये रे ऑफ लाइट हमारे आंखों में क्या करें, इंटर कर लें। चौरसिया जी समझ में आता है, चौरसिया बाबू, चौरसिया यस सर, चल गया नहीं है, चले ठीक है, समझे मन से सुन, आप प्रखर नहीं वीडियो ऑन कीजिएगा बाबू, ये प्रखर बाबू एकदम शैतान है, ऑन है सर, तो मेरे में नहीं शो कर रहा बाबू, ठीक है, चलिए ठीक है। मीडियम चेंज नहीं हो रहा, यहाँ भी हवा बाबू, यहाँ भी हवा। अब सर अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, पानी डाल देते, इसमें बाबू क्या करो, पानी डाल देते, इसमें क्या करो शैतान, पानी डालो, वाटर डालो, वाटर डालो, वाटर डालो, वाटर डालो बाबू, जल्दी से वाटर ला कर डालो, है ना। तो इस कंटेनर में बाबू हम लोग वाटर डालते हैं, ठीक है ना शैतान, हम लोग इसमें क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं, है ना, ठीक है सर, डालिए सर, है ना, इस कंटेनर में क्या डाल दिया, अब बटर डाल दिया, है ना, यहाँ तक बाबू बटर डाल दिया, ठीक, थोड़ा सा और ऊंचा लोग, और बड़ा कंटेनर ले लो ताकि डायग्राम अच्छा से बन सके, ठीक है बाबू, है ना, ठीक है। अब इसमें बाबू हमने क्या कर दिया, बटर डाल, तो बटर का कुछ ना कुछ लेवल होगा ना शैतान, मान लो सर बटर यहाँ तक मेरा भरा हुआ है, बटर यहाँ तक भरा हुआ है ना बाबू, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट डालो, क्या डालो शैतान, अब इसमें एक पॉइंट डालो, ठीक, यहाँ पे एक क्वाइन डाल दी, है ना, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है शैतान, पानी 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 है रे, पानी पानी है ना, ठीक है सर, समझ में आ रहा सर ना, यस सर। आर्या, अरे ये दोनों बहुत शैतान है, ये मैंने इंस्टॉलेशन वाला काम करते, एक बार आर्या आप वीडियो बंद करना, एक बार हम बंद करते प्रखर, दोनों मिलकर इसी करते रहना, लुका चुपी खेलते रहना, शैतान। अब बाबू यहाँ से क्या चलेंगे, रे ऑफ लाइट चले, यहाँ बाबू यहाँ देखो, यहाँ से क्या चलेंगे शैतान, रे ऑफ लाइट चला सर, रे ऑफ लाइट चला, ठीक है सर। आपको बताया था बाबू लाइट चैप्टर में बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू इमेज बनाने के लिए बाबू उसका दो गो कम से कम रे लाइट जरूर लेना, ठीक। अब जैसे ही रे ऑफ लाइट चलेगा सर, तो यहाँ तक क्या है सर, ये पानी भरा हुआ है ना सर, यहाँ तक क्या बाबू, पानी भरा हुआ है ना, इसमें सारे के सारे क्या, पानी भरा हुआ, ठीक है सर। तो मान लो बाबू यहाँ तक क्या क्या, पानी भरा हुआ, पानी भरा हुआ, ठीक है। अब बाबू अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकला तो ये क्या था बाबू, वाटर है ना बाबू, तो ये कौन सा मीडियम हो गया सर, वाटर मीडियम हो गया बाबू, वाटर एकदम एंजॉय करके पढ़ो, ये कौन सा मीडियम बन गया सर, वाटर मीडियम बन गया, है ना सर, वाटर मीडियम बन गया, ठीक है सर, ठीक है सर। और ऊपर कुछ नहीं है सर, तो ऊपर कुछ नहीं, तो कौन सा मीडियम हो गया सर, एयर मीडियम हो गया, क्या हो गया शैतान, हवा हो गया, तो एयर मीडियम हो गया, है ना। अब कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बताओ तो शिवम बाबू, अब इसमें डेंसर मीडियम कौन होगा और एयर मीडियम कौन बनेगा, नहीं बताया था आके पीटेंगे सर, मैं बताऊं, नहीं सर शिवम को बताने दो सर, डेंसर ये होगा सर, डेंसर एयर होगा, डेंसर एयर होगा, अच्छा, और वाटर क्या होगा सर, रुक जाओ बता रहे हैं, हाँ देख दे, दे के बता रहे हैं, चि, चि, चिकन बात, अब बताओ तो कौन, नहीं नहीं पता, बात ढूंढेंगे, हाँ रुको करो, डेंसर मीडियम नहीं होगा, एयर मीडियम होगा सर, एयर मीडियम, एयर मीडियम होगा, आप बताओ अरे यार, आप बताओ इसमें कौन सा रेयर बनेगा, कौन सा डेंसर बनेगा, कल ही बाबू कल ये घंटा इसी है, बताइए क्या, डेंसर है और एयर, एयर है,
इसको आके पहले फिटेंगे इसको शिवम को तो बहुत अभी अभी दो दो स्टिक कस के एक आज वाला एक और वाला। अब बताओ तो ये प्रकाश सिंह रेयर डांसर कौन बनेगा बाबू, कौन रेयर बनेगा कौन डांसर बनेगा? सर क्वार्टर रेयर बनेगा और रेयर डांसर। वाह बाबू वाह मेरे लाल वाह वाह मेरे लाल, आप लोग तो नाम रोशन कीजिएगा। सर डांसर बनेगा वाटर और रेयर बनेगा एयर, वाटर बनेगा एयर होगा रेयर सर और वाटर होगा डांसर। अभिनवानंद आप बताओ, अभिनव बाबू आपने तो बता दिया, अभिनव प्रकाश आपने प्रकाश आप बताए आप तो बता दिए ना बाबू गलत बताया, अभिनव प्रकाश आप बताए बोले अभिनव प्रकाश मीडियम हो जाएगा रेयर मीडियम और वाटर मीडियम हो जाएगा डांसर मीडियम। चलो आप आपका भी गलत है। नेक्स्ट बताओ चौरसिया जी आप बताए तो चौरसिया बाबू। यस सर बताइए कौन सा रेयर बनेगा कौन सा डांसर बनेगा? वाटर डांसर और एयर एयर। आप बताए ओम शर्मा सबका गलत है सर, एयर रेयर और मीडियम और वाटर डांसर मीडियम है। ठीक है बाबू ठीक है, जो जो बाबू बोले हो ठीक है ना, हम झूठ बोल रहे थे बाबू है ना। वाटर मेरा क्या बनेगा बाबू? डांसर मीडियम बनेगा, जो वाटर को डांसर बोलो एयर को रेयर बोलो उसका सबका सही है ठीक है ना। बाकी जो भी बोले प्रकाश इसको शिवम को दोनों को पीटेंगे, कहा नहीं पढ़ते हो शिवम बाबू, क्यों नहीं रिवाइज करके आते हो? शिवम बाबू हम ही सुसाइड कर लेंगे ठीक है ना, मेंटल प्रेशर में आके टीचर ने सुसाइड किया शिवम के मैंने स्टूडेंट के प्रेशर में आके। शिवम बाबू क्यों नहीं पढ़ते हो अब प्रकाश से? आप भी नहीं पढ़ते मिस्टेक हो गया। अरे तो थोड़ी सा तो इसमें है ये सर, वो रेयर था डेंसर था, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था बाबू, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो अच्छा यहाँ बताओ अच्छा यहाँ बताओ तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा तो नॉर्मल से नॉर्मल के नजदीक जाएगा नॉर्मल से दूर भागेगा? बताओ हमको जल्दी बताओ। अब यहाँ जो गलत किया नीचे देखा तो मुंह पीटेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल नीचे कहां थे? यहां नॉर्मल ड्रा करो बाबू। ठीक है सर यहां नॉर्मल ड्रा किया। ठीक है सर ठीक है सर ब्लैक कलर से कर देते ठीक है ना। तो बाबू देखो यहां क्या हो रे ऑफ लाइट कहां जा रहा है सर? डेंसर मीडियम जा रहा है। ये मेरा बटर कैसे हो गया सर? डेंसर मीडियम हो गया। बटर कैसे हो गया? शैतान डेंसर मीडियम हो गया। कल बताया था ना इतना अच्छा से तो वीडियो दिखाया था, बटर कैसे हो गया? शैतान डेंसर मीडियम हो गया। एयर कैसा हो गया सर? कैसा हो गया सर? रेयर मीडियम हो गया। रेयर मीडियम हो गया। रेयर मीडियम हो गया है ना, रेयर मीडियम हो गया। ठीक है ठीक है बाबू। तो बाबू रियर फ्लाइट बाबू डेंसर से क्या जा रहे हैं? रियर में जा रहे हैं तो किधर मुड़ेगा किधर मुड़ेगा किधर मुड़ेगा बताओ प्रखर बाबू, इसको कैसे लाना था? हाँ बाबू अवे फ्रॉम नॉर्मल पौधा रियर ऑफ लाइट पौधा इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ऐसे कार का इसको क्या जाना चाहिए था? ऐसे सीधे जाना चाहिए लेकिन सीधे नहीं सीधे नहीं जाके ठीक ना, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा बाबू ऐसे बेंड हो गया। ठीक सर ठीक सर। यहाँ भी दूर है ना बाबू, वो यहाँ है ना, यहाँ है ना सर, यहाँ है ना, तो यहाँ भी तो मीडियम चेंज हो रहा है ना बाबू, मेरे इस पॉइंट पे भी मीडियम चेंज हो रहा ना है ना, तो यहाँ डांसर सर रेयर तो ये भी बाबू बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो यहाँ नॉर्मल अगर ड्रा करोगे शैतान, जैसे मान लो यहाँ नॉर्मल ड्रा करो, नॉर्मल ड्रा करो, नॉर्मल ड्रा करो, नॉर्मल ड्रा करो, अभी अभी समझ लो शैतान मेरे समझ लो। ठीक है ठीक है। तो इसको बाबू कैसे जाना चाहता है? पौधे को ऐसे जाना चाहता है, ऐसे 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 सीधे जाना चाहता है, सीधे जाना चाहता है, सीधे जाना चाहता है ना, रे ऑफ लाइट ऐसे थोड़ा थोड़ा यहाँ से तिरछा हो गया, इसको डॉटेड लाइन है जो डॉट है इसको सीधे जाना चाहता, सीधे जाना चाहता, सीधे जाना चाहता है ना, लेकिन सीधे नहीं जाकर बाबू ये भी थोड़ा मोड़ जाएगा, कहेगा हम मोड़ जाते हैं क्यों सर? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा, तो ये रे ऑफ लाइट बाबू ऐसे मुड़ गया है ना, तो यही ना हो गया, ये हो गया बाबू क्या रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये क्या हो गया बाबू रिफ्रैक्टेड रे हो गया है ना। अब यहाँ पे अपना आंख निकालो, आंख निकालो और यहाँ पे डालो, देखो आपको यहाँ पे सीका दिखाई देगा, तो सीका जो दिखाई देगा बाबू जो आपका क्वाइन होगा बाबू, जो आपका क्वाइन होगा शैतान, जो आपका क्वाइन होगा बाबू, जो आपका क्वाइन होगा बाबू ठीक है ना, ये बाबू आपका आई हो गया, आई अपना निकालो बाहर और देखो यहाँ से दिखाई देगा। ठीक है तो आई अब जो क्वाइन दिखाई देगा वो यहाँ नहीं दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा, तो कहाँ दिखाई देगा सर? कहाँ दिखाई? तो जो रिफ्लेक्टेड रहे ना वो उसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ ना, रिफ्लेक्टेड रहे वो थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ ना, तो यही ना रिफ्लेक्टेड रहे सर, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ ना, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ ना बाबू, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ ना, इसको बहुत थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, रिफ्लेक्टेड रहे को, रिफ्लेक्टेड रहे को मतलब क्या सर? यही ना रिफ्लेक्टेड है बहुत, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाए, एक रिफ्लेक्टेड रही है सर, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा है ना। ठीक है सर। अरे सर ये रिफ्लेक्टेड रहे तो रिफ्लेक्टेड जहाँ पे कट करेगा वही ना क्वाइन दिखाई देगा बाबू, तो ये पीछे बढ़ा है, तो अब बाबू आपको क्वाइन यहाँ पे दिखाई देगा, अब जो क्वाइन है बाबू ये थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा, ऐसे करके आप क्वाइन थोड़ा यहाँ से क्या आएगा उठा हुआ नजर आएगा, उठा हुआ नजर आएगा है ना बाबू, ये क्वाइन यही क्वाइन हो गया है ना बाबू, क्वाइन होगा। तो पहले क्वाइन यहाँ था सर, जैसे मीडियम चल गया क्वाइन अब क्या होगा थोड़ा सा उठ नहीं गया बाबू, थोड़ा सा उठ नहीं गया, तो यही आपको क्या होगा बाबू उठा हुआ नजर आएगा, उठा हुआ नजर आएगा है ना बाबू। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये एक्टिविटी आप लोग के बुक में दिया हुआ बाबू ठीक है ना, 4-5 के क्लास में दिया हुआ है ना, तो ये सब आपको समझना है ना, तो इसमें लिखा देते हैं बाबू है ना, और इसमें ज्यादा कुछ तो लिखाना नहीं है शैतान,
तो ये बाबू क्या है, क्वाइन है, ये क्वाइन है ना बाबू, ठीक है सर। और ये बाबू क्या हो गया, कंटेनर हो गया, या बॉबल इसको कह देते हैं, बर्तन बाबू इसको बॉबल कह देते हैं ना। और क्या ये आपका बाबू सौम्या वाला आई हो गया, ठीक है ना, हाँ बाउल, ठीक है बाबू। और क्या चाहिए सर, और तो कुछ नहीं बाबू, है ना, ठीक है। तो इसको आप लोग बाबू साइड में डायग्राम बनाइएगा बोर्ड पे, जैसे इधर साइड डायग्राम बनाएगा इधर लिटरेचर लिखेगा। चलिए अब लोग बनाना शुरू कीजिए। अब लिटरेचर में क्या बाबू जो आपको समझा है उसी को लिटरेचर में लिखाना शुरू करो। प्रखर आर्या शर्मा जी, चौरसिया जी शुरू कीजिए। Yes, समझ में आया चौरसिया जी? यस सर। हाँ बाबू, रिवाइज करने के लिए क्लास अटेंड कर सकते हो तो कर सकते हो। वेन कौन बाबू प्लेस इन अ वॉवल, एंड बाबू सीन सर इसको नोट करें क्या? हाँ शैतान है प्रखर, बोर्ड पे जो भी लिखाएंगे सारे को सारे नोट करना है बाबू। सर पहले ड्राइंग बनाने के लिए लिखे कॉपी के राइट साइड में, ड्राइंग बनाओ लेफ्ट साइड में लिखो। एयर मीडियम के नीचे रेयर लिख लेना है ना बाबू, यहाँ पे आप लोग कहीं ना इसी के साथ में सुन सीन फ्रॉम बाबू एभव। इट अपीयर बाबू तो अभी आप क्लास कर रहे हैं बाबू चौरसिया जी, कहाँ कहाँ कर रहे बाबू अभी आप क्लास लाइव क्लास कर रहे हो बाबू? नहीं अभी छुट्टी, हम लोग का एडमिशन चालू था तो। तो आपको 11th में पढ़ना है बाबू, लाइट शिफ्ट पे पढ़ना है, 11th में लाइट नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना बाबू आपका ये काइनेमेटिक्स ज्यादा टॉपिक पढ़ना है, जैसे मोशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना बाबू, रोटेशनल मोशन, ये सब SHM वगैरह पढ़ना है, पोजीशन बाबू। रेज बाबू क्या है, रेज फ्रॉम इट्स पोजीशन बाबू, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू बाबू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपको 12 में पढ़ना है चौरसिया जी, लाइट चैप्टर 12 में पढ़ना है और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 में पढ़ना। इलेक्ट्रिसिटी पढ़े बाबू? तो टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट का लिंक भेज देंगे, थोड़ा क्वेश्चन बना के दिखाएगा तो कितना मार्क्स आता है। ओके सर। हाँ बाबू क्लियर दिख रहा है ना बाबू? से बाबू ऊपर वाला फिगर ऊपर ना। हाँ बाबू शैतान, ये बेटा बाबू डायरेक्ट है, यहाँ मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ मीडियम नहीं चेंज हुआ तो पॉइंट जहाँ का था वहीं दिखाई देगा, यहाँ मीडियम चेंज हो गया, पानी से हवन हो गया। एरिस का बाबू कुछ नहीं बोलते, एरिस का अभी 137 नहीं आया है, रिस्का चलिए कहाँ चल गई, चल गई रिस्का का क्या करे समझ में नहीं आता, कंटिन्यूटी नहीं से पढ़ पा रही है ना। समझ में आया प्रखर? ऑन की वीडियो बा प्रखर। यस सर आ गया सर, वो ठीक कर रही थी सर कैमरा, पता नहीं क्या हो गया। चलिए बाबू अच्छे से मन से पढ़िए, मन तन से पढ़िए बाबू, ध्यान खाली हमको दीजिए बस। अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे बाबू, नेक्स्ट जो आपको वीडियो कल दिखा, दो बार वीडियो सर दिखा, सर दिखा ना सर, एक बार एक मिनट सर लिखिए सर। अच्छा जल्दी लिखिए जल्दी बाबू, बहुत पढ़ाना बाबू। मीडियम सर अगर मीडियम सेम रहेगा सर तो ऑब्जेक्ट जो है वो बेंड नहीं होगा सर, अगर मीडियम नहीं बाबू मीडियम चेंज होंगे तभी ऑब्जेक्ट बेंड होगा बाबू, ठीक ना, तभी वो ऊंचा उठा उठा हुआ दिखाई देगा। प्लीज जल्दी लीजिए ना सर एयर और एयर, मैं 2 मिनट वीडियो बंद कर रहा हूं, ठीक है बाबू। तो वहां सर तो वहां पर सर बेंड नहीं हुआ है सर, लेकिन नीचे सर वाटर और एयर सर तो यहां पर जो है वो बेंड हो गया है सर, तो वही बात में बोल रही थी कि अगर चेंज होगा तो बेंड हो जाएगा और अगर सेम रहेगा तो नहीं। हां बाबू चलिए कंफर्म हो गई, डायग्राम बनाया समझ में नहीं आ रहा, डायग्राम समझ में नहीं आया शैतान सर, समझ में आ गया लेकिन फिर ड्रॉ कैसे करें? अरे ड्रॉ कैसे करना, देखो
एक कंटेनर लेना, उसमें पानी भरना, एक क्वाइन लेना, जैसे इसे एक जेट बनाना, यहाँ से रिया फ्लाइट निकाला बाबू, तो ये दो रिया फ्लाइट गया सर रेड कलर वाला, तो इसको सीधे अब यहाँ जो डॉटेड बाबू इसको सीधे जाना चाहिए था, डॉटेड वाला क्या था सीधे जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जहाँ पे आप चेंज हो रहा मीडियम चेंज हो रहा बाबू, ठीक है ना, तो सर यहाँ बाटर है सर ऊपर इस मीडियम पे, तो जहाँ पे चेंज हो रहा उस पॉइंट से बाबू एक नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, है ना, किसी भी सहायता से कैलकुलेट, ठीक है। अब बाबू ये जो रिया फ्लाइट है शैतान मेरे, ये वाला जो ब्लैक ये रेड कलर का, इसको डॉटेड लाइन से ऐसे डॉटेड लाइन क्या बताता है कि इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाकर बाबू यहाँ से थोड़ा ब्लैक हो गया, ब्लैक मतलब बाबू ये क्या हो गया टर्न हो गया, तो यहाँ से थोड़ा सा ये इधर मुड़ गया। उसी तरह से बाबू ये रे ऑफ लाइट है वो जो रेड कलर है, इसको सीधे ये डॉटेड ऐसे जाना चाहिए ये भी, लेकिन क्या हुआ इस पॉइंट बाबू एक नॉर्मल डाला ये इधर मुड़ गया। अब बाबू ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे बाबू आपको कहाँ कट करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू हमको दिखाई तभी ना दे बाबू, जब उसको हम लोग उसकी आंख मेरे आंखों तक जाएगा, तो यहाँ से बहुत बेंड हो रहा है ना, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ा दो, ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ा दिए, ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ा दिए बाबू, है ना, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन जो बाबू यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे शैतान, ये ध्यान देना ग्रीन और बाबू ब्लैक का कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्टेड रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे को शैतान पीछे बढ़ाए, पीछे बढ़ाए, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाए, समझे तो अच्छी बात है बाबू, नहीं तो फिर स्क्रीन शॉट ले लो शैतान और साइड हो जाता है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अब आगे पढ़ाते हैं सर, बस करने दीजिए एक मिनट, जल्दी 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 कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए, बहुत पढ़ाना है बाबू, बहुत पढ़ाना है, आप लोग बहुत स्लो लिखते हैं, समझ में आया प्रकाश सिंह? हाँ सर आ गया सर, हाँ बाबू चलिए अभी पूछते हैं आपसे, ठीक है बाबू इरेज कर रहे हैं, बाबू इरेज कर रहे हैं, बहुत हो गया, जो नहीं लिख पाए बाबू कृपया कर स्क्रीन शॉट ले ले, हमको आगे पढ़ाना है, वहां क्या देख रहे हो आरिया, उधर ही बोर्ड है आपका आरिया, न सुनेगी, यस सर उधर बोर्ड है बाबू, उधर उधर बोर्ड है, ऐसे करके आरिया सोचते हुए सर, ऐसे करके तो मेरा स्कूल में हम ऑफलाइन भी जाते थे ना सर, इतना सर टॉर्चर नहीं करते थे, आई ऑनलाइन में इतना मन इतना केयर होता है, कम बात थोड़ी बाबू, इतना सही में आप लोग पढ़ते हो स्कूल में तो इतना टीचर नहीं, आप लोग पीछे जाकर बैठ जाते हो गप करते रहते हैं, टीचर तो अपना बोर्ड पे पढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग बाबू, रिफ्रैक्शन बाबू थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है ना बाबू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाबू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो आपको इतना दिन से वीडियो दिखा रहे थे ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाबू, लाइट का रिफ्रैक्शन बाबू कैसे, किससे सर, थ्रू बाबू ग्लास स्लैब, है ना, कौन कौन स्टूडेंट पैरेलल का मीनिंग जानता है, पैरेलल का मीनिंग कौन कौन स्टूडेंट जानता है, जानती हो यार पैरेलल लाइन, मैं जानता हूँ, क्या होता है शर्मा जी बताइए, पैरेलल लाइन क्या होते हैं, सर दो लाइन जो कभी नहीं मिलते, दो स्ट्रेट लाइन जो कभी नहीं मिलता हो, हाँ बाबू दो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं मिलते हैं बाबू, है ना, उसको पैरेलल लाइन कहते हैं, वेरी गुड बाबू, है ना, चलिए जैसे क्या सर क्यों पूछ रहा है सर, इस स्टेटमेंट में हमको जरूरत पड़ेगा इसलिए पूछ रहा है, ठीक है, जैसे ये एक लाइन है सर, ये एक लाइन है सर, तो इसको दूर तक बढ़ाते जाओ, जिंदगी में ना दादी घर से नानी घर भी चल जाएगा, वो कभी नहीं मिलेगा, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, वो पैरेलल लाइन कहेंगे, या आप ऐसे कह सकते हो दो स्ट्रेट लाइन के बाबू बीच का अगर डिस्टेंस क्या रहे, सभी जगह सेम रहे, हर एक पॉइंट पे बाबू, हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे निकालो चाहे यहाँ पे निकालो बाबू, है ना, ठीक है ना, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस क्या इक्वल है, यहाँ जितना आएगा वही इतना, वही यहाँ इतना, वही यहाँ इतना, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, वो पैरेलल लाइन कहेंगे, ठीक ठीक से था, क्यों बता रहे हैं हम क्यों यूज करेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू देखो ये लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन होगा बाबू, मान लो ऐसे जा रहा है तो पैरेलल लाइन होगा सर, नहीं होगा, नहीं ना होगा प्रकाश सिंह, क्यों होगा प्रकाश, पैरेलल लाइन होगा बाबू ये वाला डायग्राम, नहीं सर का नहीं होगा, शैतान मिल तो नहीं है रहा है, तो फिर सर डिस्टेंस वो ये मतलब ये हो गया है, देखो बाबू आगे देखो पैरेलल लाइन को हमेशा देखना, आगे बढ़ाने की कोशिश करना, तो इसको आगे बढ़ाओ शैतान, आगे बढ़ाओ बाबू, इसको भी आगे बढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं आगे जाके क्या बाबू मिल जाएगा, है ना, तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगा, या बाबू दूसरा क्या करना शैतान, दूसरा ऐसे नहीं समझ में आता, तो आप ऐसे देखो बीच की दूरी निकालो, यहाँ बीच की दूरी सर यहाँ इतना है सर, देखो ना मान लो यहाँ सर इतना है, तो यहाँ बाबू नहीं लग रहा कि आपको नहीं लग रहा कि बीच का डिस्टेंस घट गया, यहाँ और नहीं लग रहा बाबू कि बीच का डिस्टेंस घट गया, यहाँ और नहीं लग रहा बाबू कि बीच की डिस्टेंस क्या हो गया, घट गया,
तो बाबू अगर बीच का जो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बाबू है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन बाबू है ना सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट बाबू, देन दैट लाइन विल बी बाबू पैरेलल, दैट लाइन हमारा क्या होगा पैरेलल होगा। सर यहां देखो यहां से छोटा, यहां से छोटा, यहां से छोटा, यहां क्या डिस्टेंस अलग अलग होता है, इसको हम लोग पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे, पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे, है ना। ये बेसिक सा कंसेप्ट था बाबू जो आप लोग को जानना चाहिए था, इसलिए हम बता दें, है ना, ये सब बेसिक बेसिक कंसेप्ट होते हैं, है ना। ठीक है बाबू, तो हमने आपको हेडिंग क्या दिया बाबू, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाबू थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब है ना, ग्लास स्लैब। समझ आ रहा ना शर्मा, ओम शर्मा सर, एकदम अच्छे से। हां सर, एकदम अच्छे से आ रहा है। हां बाबू, चलिए तो अब बाबू हम लोग एक ग्लास स्लैब बनाएंगे जो आपको इतना दिन से वीडियो